जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे आता कर दे। मेरी मुश्किल को यूं आसान मेरे मुश्किल कुशा कर दे या रसूल अल्लाह। मेरी मुश्किल को यूं आसान मेरे मुश्किल कुशा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौलाना खुदा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे आता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये ज़ुल्फ़े दोता कर दे। गमों की धूप में वो साये ज़ुल्फ़े दोता कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर
है वो यावर बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे जहां बानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। Masjid al-Aqsa is an Islamic center that provides various services for Brampton's Muslim community. The mosque was founded in 2012 and is located at 30 Rambler Drive, Unit B3, Brampton. Masjid al-Aqsa offers a variety of services including daily prayers and Jummah prayers running throughout the year. The mosque also hosts Quran classes for children and aims to establish a large Islamic library in the future. Masjid al-Aqsa also celebrates many Islamic holidays and events throughout the year. Some of these include Muslim New Year, Milad al-Nabi, Al-Asra wal-Mi'raj, Laylatul Bara, Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and many more. Masjid al-Aqsa is on a mission to spread the authentic teachings of Islam in the West, the Sunni Islamic mission. Today, the Masjid greatly encourages Islamic teachings with people of all different ages, backgrounds, and values who all have one thing in common, Islamic belief. There are over 20,000 Muslim residents living in Brampton and many more in the nearby areas. Masjid al-Aqsa is engaged in many missions to enhance this growing Muslim community. As Masjid al-Aqsa continues to grow, the variety of services offered to the community will expand to include a monthly program with alimas and scholars to learn ilm al-deen, IT classes for teenagers, madrasa ul-balighat for adults, weekly ijtimaat to understand and learn fiqhi masail, and open house for interfaith dialogues. Khatm al-nubuwat zindabad, 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 khatm al-nubuwat zindabad. Jism mein jab tak jaan rahe, ye tera imaan rahe. सदा रहे ये तुझको याद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत ईमान खत्म नबूवत दीन की जान खत्म नबूवत ईमान खत्म नबूवत दीन इस्लाम की है बुनियाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद। सामईन ये वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट्स का अनवार खत्म नबूवत और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी जो हर हफ्ते रेडियो हिदायत पर ख़त्म नबूवत के सिलसिले में अनवार ख़त्म नबूवत के नाम से जो सेगमेंट पेश किया जाता है इसके ये मेज़बान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
आपको मैं रेडियो हिदायत पर खुश आमदेद कहता हूँ और आज फिर इंशाल्लाह हमारा जो सिलसिला है जहाँ आपसे बात हुई थी कि इंशाल्लाह जो मिर्जाइयों के सिलसिले में स्पेशली तौर पर जो हम प्रोग्राम पेश करते हैं लोगों में जो गलत फहमियाँ हैं उनकी पेशन गोयों के मुतालिक और बहुत सारे पहले भी सवाल आए थे तो इंशाल्लाह अभी माइक आपके हाथ में है जो आपका टॉपिक है उस पर शुरू करने के बाद सवाल जवाब जो भाई करना चाहिए उनके लिए हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर है 905-458-4444 यानी कि 905-458-4444 लाइनें हमारे उन भाइयों के लिए जो किसी भी कंफ्यूजन का शिकार हैं या उनके जहन में कोई सवाल है तो वो इस नंबर पर कॉल करके अभी मुफ्ती साहब से राइट अवे लाइव सवाल पूछ सकते हैं 905-458-4444 जी हजरत अब मैंने ये माइक आपके लिए छोड़ दिया जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या हबीब मोहतरम सामईन पिछले कई हफ्तों से आप रेडियो हदायत कैनेडा से हमारे अनवारे खत्म नबूवत प्रोग्राम के तवस्सुल से आप समात फरमा रहे हैं कि हम जमात अहमदिया के मुंह बोले नबी मसीह मऊद साहब के किस्बात और जूठों को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम पहले भी कई दफा अर्ज कर चुके हैं कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है ये कुछ वजूहात की बिना पर शुरू किया। अव्वल तो ये कि वो अहमदी हजरात जो हमें कहते थे कि आप लोग मिर्जा साहब को जूठा कहते हैं, आप कज़्ज़ाब कहते हैं, आप गलत करते हैं, ये आप बोहतान लगाते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि झूठ की मजम्मत के ऊपर कुरान और हदीस ने वादे तौर पर बयान फरमाया है। इन वजूहात की बिना पर हम ने जरूरत महसूस की कि हम एक सिलसिला शुरू करते हैं जिसमें हम बताएं कि झूठ क्या होता है और आया मिर्जा साहब झूठे थे कि नहीं थे। अगर तो हम साबित कर दें कि वाकई मिर्जा साहब झूठ बोला करते थे तो फिर तो हम अपने कौल के अंदर सादिक हो गए, सच्चे हो गए और हम जो कहा करते थे कि मिर्जा साहब कज़्ज़ाब हैं, मिर्जा साहब दज्जाल हैं, तो फिर तो हम सच्चे हो गए। लेकिन अगर हम साबित ना कर पाए तो वाकई अहमदी हजरात जो कहते हैं फिर अहमदी हजरात सच्चे हैं कि आप लोग मिर्जा साहब के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं। और वैसे भी एक उसूली बात है कि जब कोई बंदा दावा करता है तो दावे की जब तक दलील नहीं देता तो उसका दावा किसी गिनती शुमार में नहीं होता। मुसलमानों ने चूंकि दावा किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का जो शख्स है जिसने एक जमात बनाई जमाते अहमदिया नाम की वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है अपने दावे के, तो जब ये दावा कर दिया तो यकीनी सी बात है इसकी कोई दलील भी होगी, तो वो दलील कौन सी है? वो दलील हम आपको फराहम कर रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से ये हमारा सिलसिला जारी है दोस्तों। ये सिलसिला हमने जो शुरू किया है इसमें हम जो भी बात करते हैं बाहवाला करते हैं और अपने पास से कुछ भी बयान नहीं। हम सबसे पहले मिर्जा साहब की किताब को आपको नाम बताते हैं, फिर जिल्द बताते हैं, सफा बताते हैं और उसके ऊपर जो इबारत लिखी होती है वो आपको बताते हैं। ये सारी किताबें आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ऊपर भी मिल जाएगी। हम आपको जो भी हवाले दे चुके हैं और जो आइंदा देंगे और जो आज के प्रोग्राम में
जो हवाले देंगे, आप अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, अगर कि आपके पास किताबें घर में नहीं रखी हुई तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे गूगल में जाएं, वहां पे alislam.org सर्च करें, उनकी लाइब्रेरी के अंदर जाएं, वहां पे आपको रूहानी खजाइन और दीगर किताबें जिनके हम हवाले देते हैं आपको मिल जाएंगे। आप वो सफा जो हम बयान करते हैं उस सफे पर जाया करें और जाकर खुद तलाश किया करें कि आया मुफ्ती सैयद मुबशर रजा ने जो बात की है ये हक भी है कि नहीं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे मुफ्ती साहब रेडियो के ऊपर बैठकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हो, तो आप खुद एक दफा जरूर तहकीक किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कहते हैं वो बिल्कुल सच कहते हैं, झूठ की हमें आदत नहीं है। मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को रोका है कि झूठ नहीं बोलना, और हमारे अल्लाह ताला ने भी हमारा जो खालिक है, मुसलमानों का जो खालिक है, जो खुदा है, जो यक्ता है, वो बेमिसल बेमिसाल है, उसने भी मुसलमानों को रोका है, इंसानों को रोका है कि झूठ मत बोल। तो इस एतबार से हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते। अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद जाके देख लिया करें, और यही वजह है कि आज तक हमारे किसी भी एक हवाले को किसी ने भी नहीं जुटलाया। इतने प्रोग्राम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक आपने कोई ऐसी कॉल नहीं सुनी होगी, किसी ने भी आके हमारे हवाले को चैलेंज नहीं किया, किसी अहमदी के अंदर भी ये जुर्रत नहीं हुई कि हमारे किसी हवाले को जुटला सके और कहे कि नहीं जी आपने फला बात जो की थी वो गलत है, वो किताब के अंदर लिखी हुई नहीं। दोस्तों अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कबल मैं आपको एक रवायत सुनाता हूं, और वो रवायत आज भी सुनाऊंगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। बुखारी शरीफ की यह हदीस मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाया मन काजाबा अलैया फल यता बब्बा मकादहु मिनन्नार, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। औकमा काल अलैहि सलातु वसलाम। इसी तौर पर हम जब देखते हैं कि झूठ मिर्जा साहब ने बोला कि नहीं बोला, तो हम जा बजा देखते हैं कि मिर्जा साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जा बजा झूठ बांधे। वो कोई सी भी बात करते हैं, अपना एक दावा करते हैं, पहले तो दावा कर लेते हैं, दावा करने के बाद अब उनको कोई दलील मिलती नहीं है तो फिर एक झूठी हदीस को गढ़ कर कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये हदीसों के अंदर ये बात आई, अहदीस सहीहा के अंदर ये बात आई। हालांकि जब हम अहादीस की किताबों को उठाकर देखते हैं तो वो बात हमें वहां कहीं भी नजर नहीं आती। और मिर्जा साहब ने ये एक आदत बनाई हुई है, कोई सी भी बात करते हैं ये अहादीस सहीहा में आई है। तो फिर इस हदीस की रूह से हम कह सकते हैं कि मिर्जा साहब ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधे हैं तो मिर्जा साहब जहन्नमी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पर इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे ऊपर झूठ की निस्बत करे, मेरे ऊपर झूठ बांधे, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए, वो जहन्नमी है। आइए हम अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले झूठ की मुजम्मत सुनते हैं, वो भी मिर्जा साहब की अपनी जुबानी। झूठ की मुखालफत करते हैं मिर्जा साहब, झूठ की मुजम्मत करते हैं, बांगे दोहल करते हैं। आइए सुनते हैं कि मिर्जा साहब झूठ के मुतल्लिक क्या कहते हैं। ये मेरे सामने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 है, सफा 231 है। मिर्जा साहब कहते हैं, जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी उस पर एतबार नहीं रहता। एक बात में कोई झूठा साबित हो गया तो वो झूठा है, उसकी चाहे वो जितनी भी अच्छी बातें करे, जितना भी वो कुरान सुनाए, हदीस सुनाए, वो जितना भी कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं रसूल हूं, मेरे ऊपर वही नाजल होती है, जो भी कहे
उसकी किसी बात पे यकीन नहीं रहता, ये मिर्जा साहब का कहना है। आगे मिर्जा साहब कहते हैं कि झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना, ये कुत्तों का तरीक है ना कि इंसानों का। ये इबारत रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 सफा 43 के ऊपर लिखी हुई है। ये कुत्तों का काम होता है झूठ बोलना, झूठे इंसान को छोड़ना नहीं। ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये इंसानों का काम नहीं है बल्कि कुत्तों का काम है, कुत्तों का तरीक है। आगे रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा 459 के ऊपर मिर्जा साहब कहते हैं, झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। इसके अलावा और भी कसीर हवाला जाते हैं जिसमें मिर्जा साहब ने यह भी कहा, झूठ बोलने वाला कुत्तों, सूरों और बंदरों से भी बदतर है। ये वाली बात रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफा 292 के ऊपर मिर्जा साहब ने कही। आगे कहते हैं, झूठ बोलने वाला मुर्तद है, ये वाली बात रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सफा 56 के ऊपर मिर्जा साहब ने कही। फिर मिर्जा साहब कहते हैं, झूठ बोलने वाला कंजर और वल्दुस बिना है, ये वाली बात रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 2 सफा 386 के अंदर मिर्जा साहब ने कही है। इसके अलावा एक और बड़ा मशहूर ये एक कौल है मिर्जा साहब का कि झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा 215 के ऊपर। दोस्तों आपने सुन लिया कि मिर्जा साहब जब झूठ की मजम्मत बयान करने के ऊपर आए तो उन्होंने उसको झूठे इंसान को कुत्ता भी कह दिया, सुअर भी कह दिया, बंदर भी कह दिया, बल्कि उससे भी बदतर कह दिया, और ये भी कह दिया कि झूठ बोलना तो गू खाना बराबर है। अब आइए सुनिए मिर्जा साहब ने कहां कहां झूठ बोले हैं और हम आपके सामने 31वां झूठ बयान करने लगे हैं। पहले 30 झूठ हम अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर बयान कर रहे हैं। इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा, कॉपी पेंसिल पास रख लें, इसको लिख लें। हमारे हवाला जात को हम बार बार कहते हैं, अगर ये हवाला जात गलत हो तो आप ऑनलाइन आकर हमें फोन करके आप हमें जो है ना झूठा साबित कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। हवाला सुने, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 5 है, आईने कमालाते इस्लाम सफा 340 है। मिर्जा साहब कहते हैं, सो ये आजिज एन वक्त पर मामूर हुआ, इससे पहले सदहा ओलिया ने अपने इल्हाम से गवाही दी थी कि 14वीं सदी का मुजद्दद मसीह मौद होगा और अहादीसे सहीहा नबुविया पुकार पुकार कर कहती है कि 13वीं सदी के बाद ज़हूरे मसीह है। मोहतरम सामईन, मैंने इंतहाई ठहर ठहर कर ये इबारत पढ़ी है, उम्मीद है आवाज आप तक क्लियर पहुंची होगी और मिर्जा साहब ने जो बात कही है वो आपको समझ आ गई होगी। ये वाली बात रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 5 है सफा 340 के ऊपर लिखी हुई है। मिर्जा साहब ने यहां दो बड़े बड़े झूठ बांधे, एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि 13वीं सदी के बाद ज़हूरे मसीह होगा, हालांकि दुनिया की किसी हदीस में ये बात नहीं लिखी हुई, और ऊपर से ओलिया के मुकाशफात और ओलिया की जानब झूठ बांधा कि उन्होंने भी कहा था कि 14वीं सदी का मुजद्दद मसीह मौजूद होगा। ये बात हमें कहीं भी नहीं मिलती। दोस्तों अब ये बात आपने एक सुन ली है, मिर्जा साहब ने तो यही कहा था कि जो एक बात के अंदर झूठा साबित हो जाए तो उसकी फिर किसी बात के अंदर यकीन नहीं रहता। मैं यहां दाब से फिक्र देता हूं अहमदी हजरात को जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुनते होंगे, और हमारे सुनने भी आया है और देखने में भी आया है, फेसबुक के ऊपर भी कई कमेंट करते हैं
और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज वगैरह मौसूल होते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि अहमदी हजरात हमारी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। हमारा कोई प्रोग्राम भी मिस नहीं होने देते। मैं अपने अहमदी हजरात जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़े दर्द से, बड़े एक समझाने के इरादे से अर्ज कर रहा हूं कि ये बात दुनिया की किसी हदीस में दिखा दें और आप हमें झूठा साबित कर दें, और अगर आप हमें झूठा नहीं कर सकते तो कम अज कम फिर मिर्जा साहब झूठे हो गए। दो में से एक बात तो लाजमी होगी, या हम झूठे या मिर्जा साहब झूठे। देखिए, हम यहां ऑनलाइन आपको ये दावत दे रहे हैं, खुदा के लिए आप सोचिए, हम जो सांसें ले रहे हैं बहुत कम रह गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारी सांस रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए और हम अपने खाल के हकीकी से जा मिले, तोबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, हमारी आखिरी सांस तक तोबा का दरवाजा खुला है, पलटने का दरवाजा खुला हुआ है। पलट आइए, सोचो विचार कीजिए, रिसर्च करिए, तहकीक करिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे आपके साथ, तहकीक करें, आप सोचो विचार करें, देखें। लेकिन ये जो एक होती है कि आपने एक मोहब्बत और प्यार की जो पट्टियां बांधी हुई हैं अपने दिल दिमाग के ऊपर, आंखों के ऊपर, उनको थोड़ी देर के लिए हटा दें, उन पट्टियों को खोलकर अपना दिल दिमाग आंखें हाजिर करें, तवज्जो के साथ इन चीजों पर गौर खोज करें और फिर फैसला करें कि मिर्जा साहब वाकई ही झूठे हैं कि नहीं। मोहतरम सामईन, अभी कुछ देर बाद वक्फा होगा और वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको 32वां झूठ मिर्जा साहब का पेश करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं, अपने मोबाइल फोन को निकालिए और जो नंबर आपको बताए जा रहे हैं उन नंबरों को डायल करें और आप फोन करें, और आप अगर हमारे अंदर कोई खता देखते हैं तो आप जरूर हमें इतला करें, हमें भी इतला की जरूरत है। और अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप सवाल करिए, जरूर करिए, हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। अभी वक्फा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ है एक कॉलर ऑनलाइन है, मैं इंशाल्लाह उनको रेडियो पे खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सलाम अलैकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम आपका हजरत? मेरा नाम मोहम्मद है जी, मुझे बहुत खुशी हुई है आपका, आज फर्स्ट टाइम रेडियो सुन रहा हूँ, और इस चीज की खुशी जो मुझे हुई है कि एटलीस्ट कुछ सुनने को मिल रहा है। टाइम पढ़ने का सबके पास है लेकिन लोग कुताही करते हैं, स्पेशली हम लोग दीन के मामले में बहुत पीछे हैं, और इंतहाई मुझे खुशी हुई है इनके बताने का तरीका, पेज से, रेफरेंस से, हर चीज एक उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और मतलब सब हम सब के लिए यही है कि अगर हमें दो चीजें मिलती हैं तो हम पहले सच पे खड़े हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन जो चीज होती है उसको ये क्लियर करने की कोशिश करो। मुझे स्पेशली, मुझे पहले का फीडबैक तो नहीं पता कैसा चल रहा है, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई है, कुछ ऐसी चीजें जो टाइम नहीं है या हमारे पास इतनी वसत नहीं है कि इंटरनेट पर बैठे जाके पढ़े, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, मुफ्ती साहब भी लाइन पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका फीडबैक पहले भी बहुत अच्छा है, आइए आप लोगों के हौसला अफजाई करने से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में इंशाल्लाह और मदद मिलती है। मैं तमाम सुनने वालों से यही कहूँगा, जिस तरह हमारे भाई ने अभी कॉल करके हौसला अफजाई की, इसी तरह अगर हमें उसका फीडबैक मिलता रहे तो मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अजी, बस मैं इसको अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाह के नाम से सोच अपनी अपनी ओपिनियन, जब सच पता चल जाता है तो इंसान उस वक्त खुद गुनाहगार होता है, वो खुद अपने, अभी तक जिसको नहीं पता एक एटलीस्ट बागवाटा वो न्यूट्रल खड़ा है, लेकिन जब वो सुन लेता है तो फिर उसको खुद फैसला करना था, सच को पता हो तो उसका साथ देना चाहिए। बहुत से लोग सच, ये सच है हमें पता है, लेकिन बस बदकिस्मती से हम आज जिस रवश का इख्तियार हुए हुए हैं, जिस दौर में पड़े हुए हैं, हम इन चीजों से बहुत दूर चले गए, हमारी अपनी चीज हम छोड़ के बैठे हुए हैं। तो जो बताने का तरीका, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक एक सफे को हाईलाइट किया होगा और एक रेफरेंस ढूंढा होगा, इतनी बड़ी बात आने जाके कहना, ये बहुत बड़ी दलील है। ये जी जी, माशा मेहनत को भी मैं सराहता हूँ, उन्होंने पता नहीं कितनी रातें, कितना दिन, कितना इसको पढ़ा होगा, लेकर पढ़ा होगा, तो आज माशाल्लाह इनके तो कई मनाजिर भी इनसे हो चुके हैं, मनाजिर भी होते थे, अभी पिछले दो चार हफ्ते से उन्होंने रेडियो हिदायत के जवाब के लिए जो मिर्जाई हैं उन्होंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया और उस पर रेडियो हिदायत में जो सवाल जवाब होते हैं उसको फिर उन्होंने बड़ी नाराजगी के साथ उसमें डाउनलोड किया हुआ है।
आप जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं इंशाल्लाह मजीद मालूम। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें किसी को भी नाराज नहीं, जी जी जी, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर हम सुनते हैं तो हम सुनाते भी हैं, ये अगर ना सिर्फ अपनी इसलाह के लिए, अगर इसको हदायत वाली वो बात है जो हदायत लेके इसको चले तो फैसला अपना अपना, मतलब किसी को तल्ख अल्फाज कह के ये उसको दूर करने वाली बात है। जी जी बिल्कुल, इसलाह का तरीका होना चाहिए बिल्कुल, जिस तरह हम अपना जो अकीदा है वो बता देते हैं और जो वो लोग जिसमें झूठ है, जो बुराइयां उन्होंने अपनी वेबसाइट में किताबों में डाली हुई हैं उसको खोल कर बयान कर देते हैं, ताकि जो लोग बीच वाले हैं जिनको ये लोग बहकाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, वो थोड़ा अगर सुन लें तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह आपका कॉल करने का। जी हजरत, माइक फिर आपके हवाले है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादर भाई और हमारे जो भाई ने कॉल की, इनके हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। दीगर साथियों से, दोस्तों से गुजारिश है कि आप फोन किया करें और आप हौसला अफजाई भी करें, आप कोई गलती देखें वो भी बताएं, हमें भी इसलाह की जरूरत है। कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, कामिल तो अल्लाह है या उसके नबी हैं, तो इंसान जो होता है वो उसके अंदर खता का इस्तेमाल रहता है, तो आप हमें इसलाह करें, हमारे अंदर भी कोई गलती देखें तो आप बताया करें। हमारा सिलसिला चल रहा था और यहाँ पे दोस्तों 32 नंबर झूठ मैं बयान करने लगा हूँ और ये बड़ी अहम बात है जो अभी मैं करने लगा हूँ। पहले तो हवाला नोट करें, रूहानी खजाने जिल्द नंबर 23 है, मिर्जा साहब की किताब है चश्मे मारफत, सफा 382 382। मिर्जा साहब कहते हैं, और आपसे पूछा गया कि क्या जुबान पारसी में भी कभी खुदा ने कलाम किया है, तो फरमाया कि हाँ, खुदा का कलाम जुबान पारसी में भी उतरा है, जैसा कि वो उस जुबान में फरमाता है, ई मुश्ते खाक रा गर ना बखशम चे कुनम। ये मिर्जा साहब ने फारसी के अंदर भी कहा कि खुदा का कलाम उतरा है, और ये एक बहुत बड़ी जनाब अल्लाह के यहां भी गुस्सा ही है, और मिर्जा साहब ने पता नहीं क्या सोच के ये बात लिखी, क्या सोच के ये बात कह दी, हालांकि ना ही तो तुरात, जबूर, इंजील, कुरान पाक में कहीं भी हमें ये ई मुश्ते खाक रा गरना बखशम चे कुनम नजर नहीं आता। अहादीस की किताबों के अंदर भी देख लें, आपको कहीं भी ये नजर नहीं आएगा। और एक बार और भी मैं यहां बताना चाहता हूं, रूहानी खजाने जिल्द नंबर 23 है, सफा 218 के ऊपर मिर्जा साहब क्या कहते हैं, कहते हैं, और ये बिल्कुल गैर मकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल जुबान तो कोई और हो और इल्हाम उसको किसी और जुबान में हो जिसको वो समझ भी नहीं सकता। ये मिर्जा साहब का कहना है कि जो नबी होता है उसकी जो जुबान होती है वो जिन लोगों की तरह मबूस किया गया होता है तो उनकी जो जुबान होती है उसी जुबान के अंदर उसको इल्हाम होता है, उसी जुबान में उसको वही नाजल होती है। अब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के यहां तशरीफ लाए और अरबी के अंदर आपको इल्हाम होता था और वही नाजल होती थी, लेकिन मिर्जा साहब है कि उन्होंने ये कह दिया कि ई मुश्ते खाक रा गरना बखशम चे कुनम, ताकि ये फारसी जुबान के अंदर भी वही नाजल हुई है। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और सरासर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऊपर ये बोहतान बांधने वाली बात है, और जो अल्लाह के ऊपर बोहतान बांधता है उसके बारे में भी सुन ले कि अल्लाह के ऊपर जो बोहतान, पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना कि जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोहतान बांधता है, सरकार ने फरमाया कि वो जहन्नमी है, अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। अब सूरह इनआम के अंदर चले जाएं, आयत नंबर 21 है और अल्लाह अज़्ज़ाजल इरशाद फरमाता है, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतें झुठलाए, बेशक जालिम फला ना पाएंगे। फरमाया जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है वो तो जालिम है।
और यहाँ मैं दोस्तों एक मजे की बात ये बताऊंगा कि नबी जालम नहीं होते, नबी जहन्नमी नहीं होते, नबी जालम नहीं होते, नबी जहन्नमी नहीं होते, नबी कज़्ज़ाब नहीं होते, नबी झूठे नहीं होते। आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झूठ नंबर 33 है, 33 ये वाला झूठ, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 तोहफा गोलड़विया सफा 245 के अंदर लिखा हुआ है। मिर्जा साहब कहते हैं और ऐसा ही अहादीस सहीहा से भी साबित है कि आदम से लेकर अखीर तक दुनिया की उम्र 7000 साल है। अब इन्होंने अहादीस से सहीहा कहा है, मतलब ये कि एक हदीस में नहीं कई हदीसों में आया है। और कौन सी हदीसें? ज़ईफ वाली हदीस नहीं बल्कि सही हदीसों के अंदर कि आदम से लेकर अखीर तक दुनिया की उम्र 7000 साल है। वाह 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 मिर्जा साहब, वाह वाह, क्या बात कर दी आपने। आपने ये भी नहीं सोचा कि दुनिया में बुखारी के आलिम है, मुस्लिम के आलिम है, तिर्मिज़ी के आलिम है, इब्ने माजा के आलिम है, अबू दाऊद के आलिम है, अहादीस की कसीर किताबों के आलिम दुनिया में मौजूद हैं, उनके सामने एक एक हदीस वो वाजे है। अभी तो दौरे हाजर में ऐसे सॉफ्टवेयर है कि कोई छोटा सा भी आलम दीन फौरी तौर पे हदीस को सर्च करके तलाश कर सकता है, अशामिला सॉफ्टवेयर है। तो मिर्जा साहब आपने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे झूठ को पकड़ लेंगे? आपने ये कितना बड़ा झूठ अल्लाह के नबी के ऊपर बांध दिया कि अल्लाह के नबी ने ये हदीसों के अंदर कहा है कि दुनिया की उम्र 7000 साल है। दोस्तों ऐसी कोई बात दुनिया की किसी हदीस में नहीं है। मिर्जा साहब ने सरासर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही इरशाद फरमा चुके हैं कि जो शख्स मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है, मेरे ऊपर झूठ बांधता है, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, वो जहन्नमी है। ये झूठ 33 झूठ हो गए, अब 34वां झूठ भी सुन लो। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 है, तोहफा गोलड़विया का सफा नंबर 243 और 248, इन दो सफों के ऊपर ये वाली बात लिखी। मिर्जा साहब कहते हैं हालांकि बिल इत्तफाक तमाम अहादीस के रू से उम्रे दुनिया कुल 7000 वर्ष करार पाया था, जबकि अहादीस सहीहा मतवात्रा की के रू से उम्रे दुनिया यानी हजरत आदम से लेकर अखीर तक 7000 वर्ष करार पाई थी। मिर्जा साहब वो कौन सी अहादीस सहीहा है? आपने तो अहादीस सहीहा कही है, कोई एक ज़ईफ हदीस में दिखा दे, आज के अहमदी दिखा दे, कोई मुरब्बी साहेबान दिखा दे जो जमाते अहमदिया की तरफ से जामिया अहमदिया में पढ़ते हैं, उनका 5, 6, 7, 8 साल का कोर्स होता है, वो दिन रात मिर्जा साहब के दिफा के ऊपर उनको पढ़ाया जाता है, मिर्जा साहब की किताबें पढ़ा पढ़ा के उनको इनका दिफा सिखाया जाता है, कोई एक हदीस हमें दिखा दे, कोई एक हदीस, जबकि दिखा नहीं पाएंगे, आज तक नहीं दिखा पाए। मिर्जा साहब को दुनिया से गए कमोबेश 100 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक कोई अहमदी, कोई मुरब्बी, बल्कि जमात अहमदिया का कोई खलीफा भी इन अहादीस को नहीं दिखा पाया। आगे दोस्तों ये 34 झूठ हो गए और 35वां झूठ हम सुनाते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 तोहफा गोलड़विया सफा
295 295 मिर्जा साहब लिखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम हदीसों पर नजर डालते हैं तो साफ मालूम होता है कि काफी हिस्सा इस किस्म की हदीसों का मौजूद है जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 120 वर्ष उम्र लिखी है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का अकीदा है और ये अकीदा कुरान और हदीस से वाज़े है, और इस मौजू के ऊपर हमारे इसी रेडियो के ऊपर अदरीस भाई ने भी काफी कलाम किया है, और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला भी खत्म होगा तो हमने भी एक सिलसिला ये चलाना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात वफात के ऊपर। तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और अभी भी वो जिंदा मौजूद हैं, और कुर्बे क्यामत में जब क्यामत करीब होगी तो उस वक्त अपनी जमी अलामात के साथ, जो अलामात अहादीस के अंदर मजकूर हैं, उन अलामात के साथ वो आसमान से जिंदा नजूर फरमाएंगे। लेकिन मिर्जा साहब ने तावील कर करके और झूठ बोल बोल के पहले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया, वो यहूदियों ने तो सलीब के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया था, तो मिर्जा साहब ने तावील करके मार दिया, यहूदियों ने सलीब के ऊपर मार दिया और मिर्जा साहब ने तावील के जरिए मार दिया। सलीब और तावील के जरिए मारा गया, इधर से यहूदियों ने मार दिया और इधर से मिर्जा साहब ने मार दिया, किनको? हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम। और ऊपर से फिर झूठ बोला, बार बार झूठ बोला, कभी उनकी उम्र के बारे, कभी उनकी कब्र के बारे। जनाब वो बार बार कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं, और फिर उनको जोड़ते अहादीस के साथ। हमने तो पहले अर्ज किया था मिर्जा साहब अपना एक अकीदा बनाते हैं, और अकीदा बनाने के बाद उनको अब साबित करने के लिए कोई जगह तो मिलती नहीं, वो फिर खाम खा एक बात को जोड़ देते हैं हदीस के साथ, कहते हैं ये हदीस में आया है। हालांकि हदीसों की किताबें जब हम उठा के देखते हैं ऐसा कुछ भी मिलता नहीं। यही सलूक इस हदीस के साथ भी मिर्जा साहब ने किया जो अपनी तरफ से मिर्जा साहब ने बनाई, और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 वर्ष लिखी हुई है अहादीस की किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर। ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 120 वर्ष की उम्र अगर हदीस के अंदर मिलती तो मुसलमान फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान से क्यों मानते? 1400 साल से ये अकीदा चलता आ रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद हैं, उठा लिए गए। अगर ये हदीस होती अकली तौर पर भी तो इतने मुसलमान गुजरे, किसी एक ने उस हदीस को कोट करके कोई अकीदा बनाया होता, जबकि किसी एक मुसलमान का भी ये अकीदा नहीं रहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और वो कुर्बे क़यामत में नज़ूल नहीं फरमाएंगे। ये थे जनाब झूठ, 36 झूठ हमने आपकी, बल्कि 35 झूठ हो गए, अब 36वां झूठ हम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। रूहानी ग्रंथ जिल्द नंबर 17 है, सोफा को लड़ दिया है, सफा 246। मिर्जा साहब कहते हैं, अमर वाकई और सही यही है कि बेसते नबवी 1000 शशम के आखिर में है, जैसा कि नसूसे कुरानिया और हदीसिया बिल इत्तफाक गुवाही दे रही है। ये वाली बात है जो मिर्जा साहब ने कही है, बेसते नबवी 1000 शशम के आखिर में है, जैसा कि कुरान पाक से भी जाहिर है और अहादीस से भी जाहिर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिर्जा साहब ने सरासर झूठ बांधा है। कोई एक हदीस, कोई एक कुरान की आयत हमें दिखा दी जाए और जो हम कहते हैं कि मिर्जा साहब झूठ बोलते हैं, तो ये जो दब्बा है इसको धो दिया जाए, बात खत्म हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, 36
السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت ہمارے سلیم بھائی لائن پر ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم سلیم بھائی. جی وعلیکم السلام مبشر صاحب. السلام علیکم جی, میرا نام سلیم رضا. میرا سوال یہ ہے کہ ساڈا تو ایمان ہے کہ جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا چان گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن کے آن گے اور جدو مطلب کراس وغیرہ توڑ دیں گے اور جڑے کرسچن نے وہ ایمان لے آن گے تے اپنا مرزا صاحب دے آن نال تے وہ کرسچن ایمان نہیں لیا تے انہاں دے جھوٹ دا تے اتھے پتہ لگدا ہے. ایرے بارے تھوڑا دسو. تھینک یو. جی جی بالکل. سلیم صاحب نے سوال کیا کہ اس میں واضح طور پہ اس چیز کا بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے, مطلب یہ کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی, سارے لوگ اللہ کو مان لیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور خنزیر کو بھی مار ڈالیں گے, خنزیر ختم ہو جائے گا. یہ احادیث کے اندر اس چیز کی وضاحت آتی ہے. جبکہ مرزا صاحب جب آئے ہیں تو مرزا صاحب نے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عیسائیت ختم ہو جاتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ عیسائیت مزید بڑھ گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جنگ و جدل کو ختم کرنا تھا, لیکن مرزا صاحب جب آئے ہیں ان کے بعد دنیا میں دوسری بڑی جنگ جو ہے جنگ عظیم جو تھی وہ مرزا صاحب کے انتقال کے بعد لگی ہے. دنیا کے اندر جنگ و فساد ہو رہا ہے, جنگ و جدل کا میدان بن گیا دنیا اور عیسائیت بڑھ گئی, پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی عیسائیت اور بڑھ رہی ہے, اور آج بھی دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے. لیکن یہ باتیں تو بڑی دور کی باتیں ہیں, بہت دور کی باتیں ہیں کہ عیسائیت کو انہوں نے ختم کرنا تھا یا خنزیر کو قتل, یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کے اندر ہی مرزا صاحب پورے نہیں اتر رہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں سلیم صاحب کہ نبی تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. مرزا صاحب دیکھیں انسان کی ایک شرافت سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے نیک اور پارسا ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوازمات ہوتے ہیں, تو ان لوازمات کے اوپر مرزا صاحب کو پہلے اتار لیں. مرزا صاحب کو ایک شریف بلا مانس متقی پرہیزگار پہلے انسان ثابت کر لیں, اس کے بعد نبوت کی جو سیٹ ہے یا مجددیت کی جو سیٹ ہے یا مہدیت کی جو سیٹ ہے وہ بعد میں آپ بٹھائیے گا. پہلے آپ یہ دیکھیں, ابھی جو ہم نے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے کس باتیں مرزا غلام قادیانی, اس کے اندر ہم مرزا صاحب کو دلائل دے دے کر جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایک انسان جھوٹا ہے تو اس کے شرافت کے اوپر فرق پڑتا ہے, ایک جھوٹے انسان کا وقار نہیں ہوتا دنیا میں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مرزا صاحب نے خود بھی کہا ہے جو ایک بات کے اندر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا, وہ چاہے ہوا میں بھی اڑ کے دکھائے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ہے ہی جھوٹا, یہ بندہ جب جھوٹا ہے, جھوٹا ثابت ہو گیا, اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. اب وہ چاہے نمازیں پڑھے, روزے رکھے, کچھ بھی کرے, اس کا تو اعتبار ہی نہیں. تو مرزا صاحب تو بار بار جھوٹے ثابت ہو رہے, ایک بات میں نہیں بلکہ ابھی تک ہم نے 36 جھوٹ کم و بیش آپ کو بیان کر دیے, اور ابھی تو ایک لسٹ بنی ہوئی ہے ہزاروں جھوٹ ابھی لسٹ کے اندر پڑے, اس کس جگہ مرزا صاحب کو سچا ثابت کیا جائے گا؟ ابھی تک تو کسی کے اندر ضرورت نہیں ہوئی دوستو, ابھی تک کسی احمدی کے اندر ضرورت نہیں ہوئی کہ ہمارے 36 جھوٹوں میں سے ایک چیز کو بھی کہے کہ اس کو چیلنج کر سکے کہ یہ والی بات مرزا صاحب نے جو کہی یا فلاں حدیث کی کتاب میں ہے. ایک بات, اینی ون, صرف ایک, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگر کوئی سمجھے تو, نہ سمجھے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جب ایک شخص نے بالکل اپنے کانوں کے اندر بھی روئی ڈال لی, کوئی بات سننی نہیں, اپنی آنکھوں کے اوپر بھی محبت پیار کی پٹی باندھ لی ہے, نہ بھائی دیکھنا بھی نہیں, اور یہ بس ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, مولوی جو کہتا ہے
झूठ बोलता है, मौलवी जो कहता है झूठ बोलता है, उसके वालदैन ने भी उसको यही पट्टी पढ़ाई, मौलवी जो कहता है झूठ बोलता है, उसके मुरब्बी साहब ने भी यही पट्टी पढ़ाई, मौलवी जो कहता है झूठ बोलता है, उसके पेशवा ने भी उसको यही बताया कि मौलवी जो कहता है झूठ बोलता है। जब ये नारा अगर रट लिया है तो उस वक्त चाहे एक झूठ बयान करे या हजारों बयान कर दीजिए उसका कोई फर्क नहीं होता, वो सब बराबर है। तो जब बात सुननी नहीं, बात माननी नहीं, तो फिर फायदा, फिर तो बात का कोई फायदा नहीं है ना। ये बातें तो समझने के लिए है, अल्लाह करे कि कोई बात समझे। हमें दोस्तों आपकी कॉल का भी इंतजार है, आप कॉल करें। अहमदी हजरात तो कॉल करते नहीं है, हम तो दावत देते हैं अहमदी हजरात को, हम वेलकम करते हैं कि आप कॉल करें, जरूर कॉल किया करें। फेसबुक के ऊपर आप छोटे छोटे कमेंट करके लोगों को ऐसे ही जो है ना परेशान भी करते हैं, अपना वक्त भी जाया करते हैं, और पता नहीं दूसरों का भी आपने समझा हुआ है कि वो वक्त ऐसे फजूल ही बैठे हुए हैं, ऐसे घंटों घंटों आप बैठ के टिप 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 लगे होते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप एक कमेंट करके फौरी तौर पे निकलने की करते हैं, तो ये काम आप छोड़े, ऑनलाइन आकर आमने सामने टेबल टॉक किया करें, ये अपने अंदर जरूरत एक हिम्मत पैदा करें। देखिए मुबशर शाह सच्चा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील भाई हमारे लाइन पर हैं, कुछ सवाल हैं उनके। जी अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। जी बड़ा अफसोस हुआ आपके कनाडा में बेचारे मुसलमान नमाज पढ़ते हुए शहीद हो गए, और बड़ा दुख हुआ इस बात का, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके आमीन, उनके जो फैमिली है अल्लाह उनको सबर दे, अल्लाह उनको अजर अजीम अता करे, आमीन। और मुबशर रजा साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत उमरा की मुबारक हो, वो आपकी बात सुन रहे हैं। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के इनके जरिए हमने बहुत सही जगहों की जियारत भी की माशाल्लाह, और उस लिहाज से इनका ये जो जर्नलिज्म है, ये जो मुस्लिम जर्नलिज्म है, इसका बेमिसाल इन्होंने एक मिसाल छोड़ी है, तो और भी हमारे जो मुसलमान वहाँ पर जाते हैं उनको भी चाहिए ताकि फॉलो करें, कोई भी हमें अच्छा रास्ता जहाँ से भी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत दुनिया इसको देखती है, और ये है कि अगर ये YouTube में भी ऐड हो जाए तो और लोग भी इससे फायदा उठा सके। जी जी जमील भाई, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जितनी भी जहाँ की रिकॉर्डिंग है उसे YouTube पर डाली जाए ताकि दूसरे भी लोग उससे फायदा उठा सके। ये बात इन्होंने जो की है मुझे बात सही समझ नहीं आई, आप दोहरा दें जरा जुनेद भाई की बात। वो जमील भाई हैं, वो कह रहे हैं कि उमरे की आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, आप जिस तरह से इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, और उमरे के लिए भी वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने आपके साथ उमरे किया या ज़ियारत की मेरे ख्याल। जी जमील भाई, वीडियो बनाकर इन्होंने हमें दिखाए थे जी जी फेसबुक पर, और लाइव लाइव जिस तरह ये आते हैं तो वो बहुत अच्छा उसको बहुत पसंद किया जाता है दुनिया के किसी भी जगह में। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। असल में हुआ ये था, ये मैं अपने सामईन को भी बता दूं कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में कुछ ऐसी ज़ियारात हैं कि अमूमी तौर पे वो जो ज़ियारत करवाने वाले जो लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो पता थी, हमारे साथ एक साथी थे बड़े प्यारे से, और मामला ये है कि जिन्होंने तारीख पढ़ी हुई है तारीख इस्लामी उनको पता है कि फलां जगह के ऊपर फलां वाला मकाम है, तो वो फिर हम जो ना लाइव दिखाई थी वो कुछ चीजें और ज़ियारत करवाई थी, उससे बहुत ज्यादा फायदे मुरतब हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, यहाँ से जो हम ग्रुप लेके जाते हैं letsgoformula.com के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसमें होता हूँ, तो वो तमाम ज्यारतें जो आम ज्यारतों के अलावा हैं, जो आम लोग तो करते रहते हैं, बस वाले उनको कराते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो निस्बत रखती हैं
वो ऊंटनी के पैर हो गए या दाया हलीमा का घर हो गया, इस तरह के सारे बहुत सारी ज्यारत हम लोग भी कराते हैं। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। हाँ ये मैं और तो नहीं कोई कॉलर? नहीं अभी फिलहाल कोई नहीं है जी। जी अच्छा गुजारिश मैं ये कर रहा था कि हम देखें यहाँ लाइन आकर एक चैलेंज करते हैं और किसी के अंदर ये हिम्मत तक नहीं होती, जुरत तक नहीं होती कि वो कॉल करके कम से कम हमें देखें। हम तो मिर्जा साहब को समझते नहीं ना कुछ, हम तो देखें हम उनको अगर कुछ समझते होते या तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती थी। मुसलमानों का और अहमदियों का जो एक इल्मी तौर पर एक नजा है वो खत्म हो जाता है। तो ये इल्मी जो नजा है ये तो उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक दलाइल नहीं दिए जाएंगे और आप फरीके मुखालफ को उसकी कही हुई बात में झूठा नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन आकर हम एक ये चैलेंज होता है, हमारा हर प्रोग्राम एक चैलेंज की हैसियत रखता है, लेकिन इस चैलेंज को आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है, कबूल नहीं किया। तो हम दोस्तों यहाँ पर आपको झूठ नंबर 38 अब सुनाने लगे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मिर्जा साहब कहते हैं रूहानी गैन जिल्द नंबर 17 तोहफा गोलरविया और सफा नंबर 243 और 44 और अलावा नसूसे सहीहा कुरान शरीफ और अहादीस के तमाम अकाबिर अहले कशूफ का इस पर इत्तेफाक है कि 14वीं सदी वो आखिरी जमाना है जिसमें मसीह मौऊद जाहिर होगा। वही बात है मिर्जा साहब जी। इरफान भाई आप लाइन पर हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वैसे साहब साहब इरफान बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई माशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आप बहुत अच्छी देते हैं। तो आप ये कहते हैं कि कोई आपके सवाल का जवाब दे, असल में उनको खुद पता है सवाल का जवाब क्या, तो आपके सवाल का क्या जवाब दें? आप जाहिर है वो किताबें खोलेंगे उसमें सारा कुछ वही होगा जो आप बता रहे हैं, तो फिर इसमें तो वो खुद गलत हो जाएंगे। सर ये तो आप मिर्जा गुलाम अहमद काजानी साहब की बात कर रहे हैं, उनके जितने भी पांच खलीफा तक भी जितने खलीफा हैं, अच्छा वो मजे की बात यह है कि उनमें सब एक से बढ़कर एक झूठा है और सब ने किताबों में इतना झूठ लिखा हुआ है और वो खुद जो बोल रहे हैं वो भी झूठ है सारा कुछ। वो तो बस इसी तरह ही है बस। तो अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे सर। वो एक बड़ा छोटा सा एक है कि कोई अल्लाह के वली हज से वापस आए तो उन्होंने आके देखा कि वहां पे लोगों ने किसी बंदे को बोला हुआ कि जी इस बंदे ने जनाब नबी होने का दावा किया हुआ है और इसके ऊपर वही उतर दिया है और ये सारा कुछ, और वो गार में बैठता है, ना वो नमाज पढ़ता है, ना वो हज करता है, ना वो मतलब किसी किस्म की कोई इबादत वो नहीं करता और गंदा मंदा रहता है। वो अल्लाह के वली उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा यार ये क्या मसला है तुम्हारा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरे पे वही आती है, मुझे गैब का इलम दिया जाता है, मुझे खाना दिया जाता है, जनाब मेरे लिए स्पेशल खाना आता है। वो अल्लाह के वली ने कहा अच्छा इस तरह करो, जब तुम्हारे ऊपर इस तरह खाना आएगा ना तो प्लीज तुम उसको ला हौला वाला कुव्वता पढ़ना जरा। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब खाना उनके पास आया तो उस बंदे ने ला हौला वाला कुव्वता पढ़ा तो वो खाना सारा गंद बन गया। तो मसला सिर्फ ये है कि वो जिन्नात का एक अमल होता है जो आके सारी इस तरह की खबरें खुबरें देते हैं। तो बस इन बेचारे अहमदियों को भी अल्लाह हदायत दे, इनके लिए बस दुआई दुआई कर सकते हैं अहमदियों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्दा बहुत अल्लाह बात की है इरफान भाई ने, बस देखे हदायत की हम दुआ कर सकते हैं। ये असल में देखे ये माजूर है, जो माजूर होता है उसके ऊपर तरस आता है, उसके ऊपर रहम आता है, वो काबिल रहम होता है वो बेचारा। जो मरीज होता है, मरीज काबिल रहम होता है, उस बेचारे को डांटा नहीं जाता, उसको उसके ऊपर सख्ती नहीं की जाती, वो क्योंकि काबिल रहम है। तो ये अहमदी हजरात ये बेचारे फंस चुके हैं एक एक कल्ट के अंदर फंस चुके हैं, तो ये काबिल रहम है और इनके ऊपर तर्स, काबिल तर्स इनको कहा जाएगा। तो इरफान भाई ने तो ये भी बात कही है कि इन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, तो मुझे एकदम वो याद आ गया कि पिछले दो दिन हो गए तकरीबन मेरा एक मुनाजरा हुआ है और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो गया, कादियानी मुरब्बी रऊफ साहब के साथ, कादियानी मुरब्बी रऊफ साहब के साथ मुनाजरा, तकरीबन दो घंटे का वो मुनाजरा है, बल्कि ढाई घंटे कम हो गए, ढाई घंटे का मुनाजरा। तो वो जनाब इब्तदा में ना कादियानी मुरब्बी रऊफ साहब ने बड़ा कहा कि तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगाई है किताबों के ऊपर,
किताबों पे पाबंदी लगाई है, तुम खोलो किताबें जरा, लोग इनको देखें, तुम डरते थे असल में, इस वजह से तो तुमने पाबंदियां लगाई कि कहीं अहमदियत फैल ना जाए। तो किताबें तो हमारा हर अहमदी पढ़ता है, बड़ी तवज्जो से पढ़ता है, बड़ा मुताला करता है, बल्कि जो भी अहमदियत को कबूल करता है हम लोग उसको पूछते हैं कि तुमने मिर्जा साहब की कितनी किताबों को पढ़ा है, तो वो जब कह देता है कि हमने सारी किताबों को पढ़ा है, तो उस वक्त हम उसको बैत फार्म देते हैं। तो इस तरीके की वो सारी बातें ऑनलाइन मौजूद है। अच्छा हुआ ये कि जब थोड़ा सा मुनाजरा आगे चला तो इतना मुनाजरा मैंने दो चार हवाले दिए, तो वही मुरब्बी रऊफ साहब जो मुझे तकरीर कर करके कह रहे थे कि किताबें जरा ओपन करो, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास सारी मौजूद हैं, तो वो मुझे पता है क्या कहने लगे, कहने लगे शाह साहब ये जो हवाला आपने दिया है मेरे सामने अभी मौजूद नहीं है, मैंने तो इसको पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, मुझे इसके सियाक और सबाक का नहीं पता, आप जरा दो सफे आगे से दो सफे जरा पीछे यहाँ सेंड करें। तो मुझे काफी हंसी भी आई और अफसोस भी आया कि अभी तो ये कुछ देर पहले तो बड़ी दावत दे रहे थे, बड़ी ये जनाब ऐलान कर रहे थे कि किताबें पढ़ा करो, पढ़नी चाहिए, मैंने भी पढ़ी है, तो अभी ये कह रहे हैं मुझे पता ही कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्या आपके घर में किताबें मौजूद नहीं है? आप खुद देख लेना, जो हवाला मैं दे रहा हूँ उसको अपनी लाइब्रेरी से उठाएं और उसको जो है मुझे झूठा साबित कर दें। लेकिन नहीं, मुरब्बी रऊफ साहब ने ये काम नहीं किया, और जब मैंने इस चीज की तरफ इशारा उनको किया तो वो इस बात को खलक मलक कर दे, वो कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। तो ये इनका तरीकेकार होता है, इन अहमदियों ने किसी ने भी, हम तो ये देखिए चैलेंज करते हैं कि किसी एक अहमदी ने भी मिर्जा साहब की किताबों को मुकम्मल नहीं पढ़ा। अगर कोई एक अहमदी भी, जो अहमदी भी पढ़ लेता है किताबों को, मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ लेता, वो फिर अहमदी नहीं रहता। ये भी एक बात है, वो अहमदी नहीं रहता, वो फिर मुसलमान हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मिर्जा साहब झूठे हैं। यहाँ पे मुझे एकदम याद आ गया, और ये बात मैंने इब्तिदा में करनी थी, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, सज़ाए इलाही से वफात पा गए हैं। फरमाया अहले सुन्नत थे और मसनवी शरीफ के ऊपर दीगर बुजुर्गान ने दीन की तालीमात को उन्होंने बहुत आसान तरीके से पहुंचाया, हमें इस चीज का बहुत अफसोस है, और ये एक बहुत खला आ गया है। अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े रूहानी रहनुमा थे जिनसे हम महरूम हो गए, मोहसिन थे, इल्मो मार्फत का एक अजीम गुलदस्ता थे, हम इनसे महरूम हो गए, अल्लाह गरीके रहमत करे। और ये आप भी तमाम अहबाब से गुजारिश है जो सुन रहे हैं कि अव्वल आकर दुरूद पाक पढ़ के सूरह फातिहा पढ़े, और हजूर की बला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को इस साल सवाब कर। तो यहाँ हमारी गुफ्तगू जारी है, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का फैजान जारी है, और आज की हम गुफ्तगू को भी इसाले स्वाब करेंगे पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को, ये जो हम तबलीग कर रहे हैं, असल हकायक बता रहे हैं और इस्लाम का जो दिफा कर रहे हैं, इसका इसाले स्वाब हम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने मस्जिद अक्सा में भी इसाले स्वाब की महफिल रखी हुई है। अलावा नसूसे सहीहा कुरान शरीफ और अहादीस के तमाम अकाबिर अहले कशूफ का इस पर इत्तफाक है कि 14वीं सदी वो आखिरी जमाना है जिसमें मसीह मौऊद जाहिर होगा। रूहानी खज़ाने जिल्द नंबर 17 सफा 243-44। मोहतरम दोस्तों, दुनिया की किसी हदीस में ये बात नहीं है, मिर्जा साहब ने ये झूठ बांधा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और कुरान पाक के ऊपर और अकाबेरीन के ऊपर, अकाबेरीन के अहले कशूफ के ऊपर मिर्जा साहब ने झूठ बांधा है। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मिर्जा साहब ने ये सरासर जो है ना कहा कि कुरान पाक में भी है, अहादीस में भी आया है। मोहतरम दोस्तों, कुरान शरीफ के नसूसे सरीहा अहादीस और तमाम अकाबर
کشف کا اتفاق و ہزارہ اہل اہل تھا کہ ملانے قلبی کی زیارات ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات لکھی ہے ہمیں ذرا دکھائیں کہ کون سے اہل کشف اکابرین میں سے تھے جنہوں نے یہ بات کہی. مرزا صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا روحانی زین جلد نمبر 3 صفحہ 272 کے اوپر 572 کے اوپر. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹے پر اگر ہزار لعنت نہیں تو 500 صحیح. جھوٹے پر اگر ہزار لعنت نہیں تو 500 صحیح. لیکن مرزا صاحب کی بات میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جھوٹے پر اگر ہزار لعنت نہیں تو ایک ہی صحیح, صرف ایک لعنت. تھوڑا سا قدم بڑھائیں آپ, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ کہا ہے تو مرزا صاحب کی اس بات پہ عمل تو کیجئے. آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں, آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں, اپنا نبی مانتے ہیں, تو کم از کم مرزا صاحب کی اس ایک بات پر عمل تو کر لیں کہ جھوٹے پر اگر ہزار لعنت نہیں تو 500 صحیح. اور اگر مرزا صاحب کی بات پہ نہیں عمل کرنا تو پھر میری بات پہ عمل کر لیجئے کہ جھوٹے پر ہزار نہیں تو ایک لعنت ہی صحیح. آئیے دوستو, یہ تو سمجھداروں کے لیے یہ باتیں ہیں, اللہ کر سمجھ آ جائے. 39 نمبر جھوٹ, اور اس کے بعد ہمارا 40 نمبر جھوٹ ہوگا اور ہم اپنے پروگرام کو پھر اختتام کی طرف لے جائیں گے. 39 نمبر جھوٹ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 14 ایام الصلح مرزا صاحب کی کتاب, صفحہ 277 کے اوپر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے 120 برس عمر پائی, اور واقعہ صلیب کے بعد 87 برس اور زندہ رہے. آپ نے ابھی تک غور کیا ہوگا محترم دوستو کہ مرزا صاحب جب بھی بات کرتے ہیں حدیث صحیح ضرور کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث صحیح میں آئی ہے, جبکہ مبشر شاہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب یہ کسی حدیث صحیح میں نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے. مرزا صاحب یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. مرزا صاحب یہ بخاری میں بھی نہیں, مسلم میں بھی نہیں, ترمذی میں بھی نہیں, ابن ماجہ میں بھی نہیں, ابو داؤد میں بھی نہیں, یہ کہیں بھی نہیں کسی دنیا کی صحیح حدیث. Masjid Al-Aqsa is an Islamic center that provides various services for Brampton's Muslim community. The mosque was founded in 2012 and is located at 30 Rembler Drive, Unit B3, Brampton. Masjid Al-Aqsa offers a variety of services including daily prayers and Jummah prayers running throughout the year. The mosque also hosts Quran classes for children and aims to establish a large Islamic library in the future. Masjid Al-Aqsa also celebrates many Islamic holidays and events throughout the year. Some of these include Muslim New Year, Milad al-Nabi, Al-Asra wal-Mi'raj, Laylatul Bara, Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and many more. Masjid Al-Aqsa is on a mission to spread the authentic teachings of Islam in the West
the Sunni Islamic Mission. Today, the Masjid greatly encourages Islamic teachings with people of all different ages, backgrounds, and values who all have one thing in common, Islamic belief. There are over 20,000 Muslim residents living in Brampton and many more in the nearby areas. Masjid al-Aqsa is engaged in many missions to enhance this growing Muslim community. As Masjid al-Aqsa continues to grow, the variety of services offered to the community will expand to include a monthly program with alimas and scholars to learn ilm al-deen, IT classes for teenagers, Madrasa ul-Balagat for adults, weekly ijtimaat to understand and learn fiqhi masail, and open house for interfaith dialogues. Ya rahmatal lil alamin, ya rahmatal lil alamin, ya rahmatal lil alamin. Ilham jama hai tera. Masjid al-Aqsa faces some of the following costs. Rent, $2,500 a month. Utilities, $1,500 a month. Maintenance, $1,000 a month. And the imam salary, $2,000 a month. We need $7,000 a month to run this masjid. So given the way of Allah and receive the blessings and rewards. سامن علامہ مفتی سید مبشر رضا کچھ ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی کچھ ایک دو بریک لینے کے بعد انشاءاللہ ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا. جب تک آپ اس پروگرام کو سنتے رہیں اور اپنے سوالات کو تیار رکھیں تو انشاءاللہ کچھ اور اچھے اچھے سوالات ہیں اس کا بھی جواب ہم علامہ سید مبشر رضا سے لیں گے. الفقر فخری تیرا دل. سامعین, ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ ہر گھر میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو بچے اور بچیاں ہیں, اس کے بھائی اور بہنیں ہیں, ان کے لیے کوئی اچھے اور معیاری رشتے اویلیبل ہوں, مل جائیں. تو الحمدللہ مسجد اقصیٰ کی اور سنی اسلامی مشن کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایسے رشتوں کے ڈیٹا بیس بنایا جائے جس میں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کی مدد کی جا سکے بغیر کسی چارج کے, وداؤٹ اینی لالچ کے, بغیر کسی لالچ کے الحمدللہ, اور بغیر کسی پیسوں کی فیس کے الحمدللہ یہ خدمات جو انجام دی جاتی ہے. سکینہ اسلامک میٹریمونیل جو سنی اسلامک مشن کا مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے, اس کے ذریعے اچھے اور معیاری رشتے آپ کو دکھائے جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بچی کے لیے, بچے کے لیے, یا بھائی یا بہن کے لیے, چاہے کینیڈا میں ہوں, پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, یا کسی بھی کنٹری میں ہوں, کوئی اچھا اور معیاری رشتہ مل جائے, تو آپ ہماری ویب سائٹ www.sunniat.org پر جا کر سروسز کو کلک کریں, اور سروسز کو کلک کرنے کے بعد میٹریمونیل کو کلک کریں. میٹریمونیل کو کلک کرنے کے بعد اس میں نیچے جائیں گے تو باٹم پیج کے میں لنک ہے فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا. میٹریمونیل کا جو فارم ہے اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اسے فل کر لیں کمپلیٹلی, تصویر کے ساتھ, پکچر کے ساتھ اسے آپ مجھے اسکین کر کے ای میل کر دیں. ای میل ایڈریس بھی اسی فارم میں لکھا ہوا ہے, تو آپ کو کچھ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کو بھیج دیں, انشاءاللہ عز و جل ہمارے ڈیٹا بیس کو اس کو ہم لے کر سیٹ کر دیں گے, اور جیسے ہی آپ کے معیار کے مطابق, آپ کی پسند کے مطابق کوئی رشتہ ایسا آیا تو آپ کو اس بارے میں مطلع کیا جائے گا. اسی طرح وہ جو رشتے ہیں جو آئے انہیں بھی اس بارے میں پوچھ کر آپ ہی لوگوں سے آپس میں انفارمیشن شیئر کی جائیں گی. آپ چاہیں تو مسجد میں آ کر مل سکتے ہیں, یا آپ کو نمبر دے دیا جائے گا تو آپ ایک دوسرے سے کسی جگہ بھی اپنے گھر پہ بلا کر مل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بس یہی ہمارا کام ہے کہ آپ کو ملا دینا. آگے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ رشتہ لکھا ہے تو استخارہ کروانے کے لیے آپ. سامعین, علامہ سید مفتی سید مبشر رضا ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ہم ان سے دوبارہ سوالات اور جواب کا سلسلہ کرتے ہیں. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کال کٹ گئی تھی دوستو اور ہمیں پتہ نہیں چلا. غالباً جھوٹ نمبر 39 میں بیان کرنے لگا تھا, دوبارہ سن لیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے, ایام الصلح صفحہ 277 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں, حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا
कि उन्होंने 120 वर्ष उम्र पाई और वात्या सलीब के बाद 87 वर्ष और जिंदा रहे। हजरत ईसा अलैहि सलाम को पहले मिर्जा साहब ने तावील के जरिए मार दिया, उसके बाद ऐसे खाम खा की हदीसें गड़गड़ के मिर्जा साहब ने वो पेश की और कहा कि ये हदीसों में आई है ये बात कि उन्होंने 120 वर्ष उम्र पाई है, वाकया सलीब के बाद 87 साल वो और जिंदा रहे। तो हालांकि दुनिया की किसी हदीस में भी ये बात मजबूर नहीं है। मिर्जा साहब ने सरासर झूठ बोली। मैं दाव पे फिक्र देता हूं अपने अहमदी हजरात को, अहमदी दोस्तों को, कि आप इन चीजों की तहकीक करें, इनको समझने की कोशिश करें और आप हमें कॉल किया करें। अभी तक आप किसी एक अहमदी की भी कॉल अभी तक नहीं आई। या तो आप लोग हमारी बातों को समझ चुके हैं और आप मुत्तफिक हैं, जो हम बात कर रहे हैं आप मुत्तफिक हो गए हैं कि बाकी जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। और अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो फिर आप हक बजानब है कि आप कॉल करें। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप कॉल करें, आप अपनी ऑनलाइन सारी दुनिया को बताएं कि हमने झूठ बोला है और हमने ये जो बात की है ये झूठ है। मोहतरम दोस्तों, मोहतरम सामईन, झूठ नंबर 40 और इस प्रोग्राम का आखिरी झूठ है। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे हमारा जारी रहेगा। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 अयामुस्सुला सफा नंबर 325 के अंदर मिर्जा साहब कहते हैं, क्योंकि बमूजबे असारे सहीहा के मसीह मऊद का सदी के सर पर आना जरूरी है। अब देखिए ये सरासर झूठ है, किसी भी हदीस में ये बात नहीं लिखी हुई। मिर्जा साहब ने ये झूठ बोला है कि मसीह मऊद का सदी के सर पर आना जरूरी है। इतना बड़ा झूठ। और मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि जमाते अहमदिया को कमो बेश 100 साल से ज्यादा हो गए, मिर्जा साहब को दुनिया से गए हो गए, तो अभी तक तो उन्होंने ये हदीसें निकाल के रखी होंगी, कहीं उनके पास रखी हुई होंगी। तो भाई हमें कॉल करके बताया करे ना कि शाह साहब हमने तलाश की हुई है, आप ये जो बात कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। जब दोस्तों हम कभी ये अपने मुनादरों के अंदर पेश करते हैं ना, तो अमूमी तौर पे मुरब्बी हजरत या जो आगे हमारा मुनाजिर होता है दोस्त, वो पूरी तौर पे ये कहता है तो ये बातें तो पुरानी मौलवियों ने कही हुई हैं, तुम मौलवी की मक्खी पे मक्खी मारते हो, ये वो ही बातें दोहराते, कोई नई बात भी लेके आओ, कोई नई बात भी कभी तुमने की है, वो ही पुरानी बातें किए जाते हो। ये कई दफा हमने जवाब दिए हैं। मुरब्बी अक्सर ये गुफ्तगू के दौरान ये जुमला लाजमी बोलेंगे, इनके जवाब हमने कई दफा दिए हैं और हम ये वो ही पुरानी बातें तुम पेश कर रहे। यहां हम प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट करते हैं कि भाई ये बात अगर मौजूद है, आप कहते हैं कि हमने इसका जवाब दे दिया हुआ है, तो फिर तो आपके पास मौजूद है ना, जब जवाब दे दिया हुआ है तो मौजूद है, तो आप उसको रिपीट कर दें, आके कॉल करें, कॉल मिलाएं और कहें कि ये झूठ नंबर जो आपने 35 बयान किया है, 36 बयान किया है, 37 बयान किया है, 38 बयान किया है, 39 बयान किया है, झूठ नंबर 40 जो बयान किया है उसका जवाब ये है। आज तक आपने ये किया मेरे मोहतरम दोस्त, आपने कभी ये किया ये जाफत गुआरा की? आप फिर सोशल मीडिया पे आकर बहुत ज्यादा शोर मचाते, इसके जवाब दे दिए हुए हैं। जब मिर्जा साहब फोत हुए थे तो जनाब एक साल भी नहीं गुजरा था, तो जब इतराजत ये होने लगे तो उस वक्त भी जो लोग थे तो वो यही कहा करते थे, हमने 6 महीने पहले इसका जवाब दे दिया हुआ है। जब 2 साल मिर्जा साहब को फोत हुए हो गए तो इतराज हुए तो अहमदियों ने कहना शुरू कर दिया, 1 साल हो गया हमने जवाब दे दिया हुआ। मिर्जा साहब को इंतकाल किए हुए 10 साल हो गए तो अहमदियों ने कहना शुरू किया कि 2-3 साल हो गए हैं हमने पीछे इसका जवाब दे दिया हुआ है। जब मिर्जा साहब को 50 साल हो गए तो फिर भी अहमदियों ने ये कहा कि हमने तो
45 से 40 साल पहले ही दे दिया। जब 100 साल हो गया तो अहमदियों ने यही कहना शुरू कर दिया, तो इसका जवाब तो हमने 90 साल पुराना दे दिया हुआ है। जी हजरत अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, मैं अपने अहमदी दोस्तों को इंतहाई, अल्लामा साहब आवाज आ रही है मेरी, कोशिश करूंगा। देखिए हमें आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दर्द है? नहीं, मैं अल्लामा साहब का अटेंशन ले रहा हूँ। आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शामिल है, हम आपको दावत देते रहेंगे, क़यामत तक दावत देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप जन्नत में चले जाएं, हमारे साथ जन्नत में जाएं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इजाबत में शामिल हो जाएं। हमें आपके साथ दर्द है, कोई लड़ाई नहीं है, ना ही तो आपने हमारी किसी जगीर पे हम कब्जा किया, ना ही आपने हमारी, तो ना ही हमने आपकी, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। ये तो एक इत्तकादी मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर हम आप से बात करते हैं। ये जन्नत और दोजख का मसला है, ये उखरवी मसला है, ये आखिरत का मसला है। ये आपका अगर अकीदा दुरुस्त होगा तो आप जन्नत में जाएंगे, आपका अकीदा गलत होगा तो आप जहन्नम में जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्त, आपने दुनिया की बड़ी डिग्रियां हासिल की, आप डॉक्टर तक बन गए, आपने नोबल इनाम भी ले लिया, आप नोबल इनाम याफ्ता भी हो गए, लेकिन आपका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो आप तो जहन्नम में जाएंगे। आप भले कहते रहे कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन आपके इस्लामी एतकादात नहीं है, आपका अकीदा इस्लामी नहीं है, तो आप कैसे मुसलमान हो गए? हम आपको समझा रहे हैं कि आप जिनको अपना नबी और रसूल और अपना मुजद्दिद तस्लीम करते हैं वो झूठ बोलते थे, और झूठ भी कोई छोटे नहीं, बल्कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा करते। मोहतरम दोस्तों, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, और आखिर में ये चूंकि झूठ हम बयान कर रहे हैं, क्या आखिर में हम आपको हजरत इमाम महदी की कुछ निशानियां बयान करना चाहते हैं? अपने प्रोग्राम के आखिर में हम हजरत इमाम महदी की निशानियां जो अहादीस में आई हैं वो बयान करना चाहते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, दोस्त सवाल करके पूछते हैं कि हमें बताएं कि हजरत इमाम महदी की कौन कौन सी अलामत है। मिर्जा साहब को कई लोग ऐसे भी हैं कि कुछ मसीह मऊद कहते हैं तो कुछ इमाम महदी कहते हैं तो कुछ मुजद्दिद कहते हैं, तो लिहाजा जरूरत पेश आई कि अहादीस के अंदर हजरत इमाम महदी की कौन कौन सी अलामत है। अहादीस से जो अलामत हमें मिलती हैं उनमें यह है कि हजरत इमाम महदी हजरत फातिमा तो जहरा की औलाद से होंगे, मदीना तैयबा के अंदर पैदा होंगे। वो जो से सुन ले, मदीना मुनवरा के अंदर पैदा होंगे हजरत इमाम महदी। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका अपना नाम मोहम्मद होगा और उनका लकब महदी होगा। हजरत इमाम महदी वो इश्तिहार छाप छाप कर तकसीम नहीं करेंगे, वो ऐलान नहीं करेंगे कि लोगों मैं इमाम महदी हूं, लोगों मैं इमाम महदी हूं, मुझे मान लो मैं इमाम महदी हूं, मुझे मान लो, जो मुझे नहीं मानेगा वो रंडियों की औलाद है, वो जुर्रियतुल बगाया है, वो कंजर है, वो कमीना है, वो हरामी है, वो इस तरीके से गालियां नहीं देंगे, बल्कि 40 साल की उम्र में इनको मक्का मुकरमा हरमे काबा में शाम के 40 अब्दालों की जमात पहचान लेगी। मुल्के शाम के 40 अब्दाल मक्का मुकरमा के अंदर खाना काबा के अंदर उनको पहचान लेंगे, वो तवाफ कर रहे होंगे और उनकी पहचान कर लेंगे, वो ऐलान नहीं करेंगे कि लोगों मैं इमाम महदी। वो कई लड़ाइयों में मुसलमान
फौजों की क्यादत करेंगे, शाम जामे दमिश्क में पहुंचेंगे तो वहां हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजूल के बाद पहली नमाज हजरत इमाम महदी के पीछे अदा करेंगे। हजरत महदी अलैहि रिदवान की कुल उम्र 49 साल होगी, 40 साल बाद खलीफा बनेंगे, 7 साल खलीफा रहेंगे, 2 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नियाबत में रहेंगे, 49 साल की उम्र में वफात पाएंगे। तवज्जो से सुन ले, 49 ईयर की उम्र में वफात पाएंगे। मिर्जा साहब की जो उम्र है वो 68 ईयर है, 68 साल, 68 ईयर। ये चंद अलामत थी जो अहादीस से माखूज होती हैं, और एक अलामत ये भी मिलती है फिर उनकी वफात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। तदफीन के मकाम के मुतल्लक अहादीस में सलाहत नहीं, अलबत्ता बाद अहादीस ने बैतुल मकदस में तदफीन लिखी है। ये चंद अलामात हजरत इमाम महदी के मुतल्लक आपकी खिदमत में गोश्तगुजार की दोस्तों। और इमाम महदी के मुतल्लक अक्सर हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि हजरत इमाम महदी की कौन कौन सी ऐसी अलामात है, तो हमने सोचा कि आपको बता दें कि हजरत इमाम महदी कौन है और इमाम महदी की अलामात क्या क्या है। यहां मैं एक हवाला तलाश कर रहा हूं, अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं आपको ये देना चाहता हूं। मिर्जा साहब ने यहां एक तमाशा देखें कि एक तरफ मिर्जा साहब ने कहा कि मैं इमाम महदी हूं, और दूसरी तरफ जमाते अहमदिया के लोग भी मिर्जा साहब को इमाम महदी मानते हैं, ये आपने सुना होगा। और ये भी आपने सुना होगा दोस्तों कि कुरान पाक में कहीं भी हजरत इमाम महदी का तज़किरा नहीं है सराहत के साथ। जो भी अलामात जिक्र हुई है ये अहादीस के अंदर, ये बात क्लियर कर ले, ये अकीदा अपना क्लियर कर ले कि कुरान पाक के अंदर हजरत इमाम महदी की अलामात जिक्र नहीं है, ये तमाम अलामात आपको अहादीस से मिलती है। और मिर्जा साहब क्या कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 है सफा 406 के अंदर कहते हैं कि मैं कहता हूं कि महदी की खबरें ज़ोफ से खाली नहीं है, यानी जो हजरत इमाम महदी के मुतलक जितनी अहादीस है वो ज़ईफ है। ये मिर्जा साहब कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं इमाम महदी की जितनी भी अहादीस है वो ज़ोफ से खाली नहीं है। एक जगह तो मिर्जा साहब ने यह भी कह दिया कि वो मखदूश है, और बहुत सख्त कलमात मिर्जा साहब ने कहे। तो हमने ये एक हवाला आपकी खिदमत में पेश किया, ये उन दोस्तों के लिए हवाला था जो मिर्जा साहब को इमाम महदी तस्लीम करते। अगर तो आप मिर्जा साहब को इमाम महदी कहते हैं तो फिर कुरान पाक से कम अज कम आप दिखाएं कि कहां पे कुरान पाक में जिक्र है कि हजरत इमाम महदी भी आएंगे। यकीनन आपको यह कहना पड़ेगा कि कुरान पाक में तो कहीं नहीं है, हदीसों के अंदर आया है। जब आप हमें कोई हदीस पेश करेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि मिर्जा साहब ने तो कहा था कि इमाम महदी के मुतल्लक जितनी भी हदीसें हैं वो ज़ईफ हैं, ये मिर्जा साहब का कहना है। तो जब सारी ज़ईफ हैं तो मिर्जा साहब इमाम महदी बन कैसे गए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा दोस्तों। ये समझदारों के लिए और समझ वालों के लिए ये हमारी बातें हैं, अल्लाह करे कि समझ आ जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, जितने दोस्तों ने कॉल करनी थी कर ली। और कुछ और एक दो सवाल जो अभी आए थे जब लाइन डिस्टर्ब थी, एक तो ये था कि वो कह रहे हैं कि आप आवाज बहुत कम आ रही है और पता नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम।
बहरहाल दोस्तों मुझे आवाज अब्दुल कादिर भाई की भी नहीं आ रही और शायद कोई प्रॉब्लम है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी आवाज रेडियो के तवस्तु से दुरुस्त पहुंच रही होगी। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा सैयद मुबशर रजा को, कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन, खत्म नबूवत फोरम का मुंतजिम अल्लाह सैयद मुबशर रजा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार, दीन हुए उसके बर्बाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। बात है ये बिल्कुल जाहिर, कहेंगे उसको हम काफिर, बात है ये बिल्कुल जाहिर, कहेंगे उसको हम काफिर, जो भी करे गुस्ताख रसूल, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। समीन, ये है रेडियो हिदायत और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेजबान मदनी। आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह सुबह के 6 बजे तक। हमारे रेडियो स्टेशन लाइव सुनने के लिए आप ऑन्टारियो में किसी जगह से भी कॉल कर सकते हैं और अपने फ़ोन पर उसे लाइव सुन सकते हैं 6479579642 या 8676751437 और एक और नंबर है 8676751530। रेडियो हिदायत को लाइव इंटरनेट पर दुनिया भर के किसी भी हिस्से से सुना जा सकता है www.radiohidayat.com पर। रेडियो हिदायत का बुनियादी मकसद यह है कि इसमें ऐसे सेगमेंट्स पेश किए जाएं जिससे हमारी दीनी और दुनियावी दोनों इस्लाह मुमकिन हो सके। अभी पिछले संडे जो हादसा हुआ, कुछ ऐसे लोग जो अपने अकीदे की बुनियाद पर, अपने फैथ की बुनियाद पर इबादत कर रहे थे, उनका किसी कसूर के बगैर उनको मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, अपने अकीदे पर वो अमल कर रहे थे, अपने फ़राइज को वो अदा कर रहे थे। मौत हर एक को आनी है, कोई छोटा कोई बड़ा, ना कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि मौत पहले बच्चों को आएगी या पहले बूढ़ों को आएगी फिर छोटों को आएगी, नहीं, मौत सबको आनी है। इसी मौजू पर इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी मंकबत के लिए इंशाल्लाह पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक ऐलान और उसके मिनट है मेरे पास, एक लाइन ब्लिंक करिए तो मैं उसे ले लूँ।
जो हिदायत जो है आपकी खिदमत में मस्जिद अक्सा और सुन्नी इस्लामी मिशन किताबों से पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा की खिदमत जो है कम्युनिटी के लिए आप सबके सामने हैं। हफ्ता भर में दो इजतमात होते हैं इस्लामिक स्कूल, हफ्ते में एक बार होते हैं एवरी सैटरडे सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक, तकरीबन 150 से 200 बच्चे उसमें तालीम हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारी इस्लामी जो औरतें हैं जो बहनें हैं वो भी मुख्तलिफ घरों में जाकर तबलीगात करती हैं, दर्स देती हैं, मिलाद की महफिल करती हैं, 11वीं की महफिल करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो सर्विसें आप ही के तहत से चलती हैं और आप भी इस सिलसिले में मदद करते रहें। अगर आपको अपने घर में कोई मिलाद कराना हो खैर बरकत के लिए, दरस कुरान, दरस हदीस, दरस तफसीर, जो कुछ भी आपका सिलसिला हो, उस सिलसिले में अगर आपको मर्दों में सिर्फ अलग कराना है या औरतों ही में सिर्फ कराना है या पूरी फैमिली के साथ कराना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसका इंतज़ाम किया जाता है। इस सिलसिले में आप मस्जिद अक्सा में कॉल कर सकते हैं 6477191112। और आजकल चूंकि मिलाद का महीना चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हर घर में मिलाद हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं पूरे GTA में मिलाद हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा के जो लोग हैं वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करके अपने खर्चे पर बिला मुआवजा बगैर किसी सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए आपके घर तक आते हैं और आपकी महफिल को सजाते हैं। इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो इस्लामी बहनें अगर चाहें खसूसी तौर पर तो 6477212526 पर, और अगर इस्लामी भाई चाहें और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो 6477409292 या 6477191112 पर रबता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रेवल करना हो, चाहे पाकिस्तान जाना हो, इंडिया जाना हो, बांग्लादेश जाना हो, सऊदी अरब जाना हो, मिडल ईस्ट जाना हो या घूमने फिरने के लिए बंक ऑफ फारिस्ट जाना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में सिर्फ एक नाम याद रखें 6477409292। मेरा नाम है मदनी और मैं इंशाल्लाह जवाजल आपके लिए बेहतरीन डील तलाश करके आपको दूंगा। मेरा एक ही मकसद है कि पैसा आपकी जेब में रहे बजाय इसके कि वो एयरलाइन की जेब में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मुझसे आज तक ये सर्विसेज ली हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो एक ही नाम याद रखें 6477409292 और 24 आवर्स आपके लिए सर्विस हाजिर है। जब भी आप फ़ोन करें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अटेंड ना भी कर सका तो आपको फ़ौरन 1 घंटे बाद कॉल करके आपको दोबारा मालूम कर लूँगा। तो इस सिलसिले में मस्जिद अक्सा को भी कॉल कर सकते हैं 6477191112 6474719111। और ये 24 आवर सर्विस है, 365 डेज है। तो आप जब भी चाहें अल्लाह ना करे कभी आपको इमरजेंसी हो जाए कुछ हो जाए तो इस सिलसिले में नंबर नोट कर लें 6477409292 और 6477191112। मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फवक्तन इस प्रोग्राम में अपनी कीमती तजावीज़ है हमें नवाजते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ल अभी भी किसी भाई ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी थी इंशाल्लाह, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक प्रोग्राम को थोड़ा अर्ली करने का ताल्लुक से सवाल है तो उस सिलसिले में फिर वही बात के जिसमें जितना गुड़ डाला जाए वो उतना मीठा होता है। प्रोग्राम के शुरू के औकात काफ़ी महंगे आते हैं और किसी और रेडियो स्टेशन पर भी दिन में प्रोग्राम करना एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इसको सपोर्ट करना, मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को बगैर किसी कमर्शियल के इसी तरह चलता रहे। तो और अगर कमर्शियल ले भी जाए तो फिर उसमें बड़े मसाइल दूसरे भी होते हैं शरी तौर पर, तो उसको अभी फ़िलहाल हम किसी दिन के प्रोग्राम में या अर्ली इवनिंग में या रात के शुरू के हिस्से में फ़िलहाल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आप भाइयों का, आप दोस्तों का साथ रहा और इसको मुसलसल सपोर्ट मिलती रही तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करके उसको रात के 9 बजे वाला जो टाइम है 9 से लेकर रात के 12 बजे तक 3 घंटे सिर्फ एक ही मौजू पर प्रोग्राम करने का इरादा है एवरी डे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। वो मेरे भाई जो अनोनिमस यानी कि बगैर किसी नाम के सपोर्ट करते हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो कहते हैं कि ना नेकी उस तरह करनी चाहिए कि सीधे हाथ से दें और उल्टे हाथ को पता ना चले। तो वो रेडियो हिदायत के सिलसिले में रेडियो हिदायत उनका शुक्रगुजार है। और मेरे वो भाई जो इस सिलसिले में मज़ीद मदद करना चाहते हैं उनको मैं बैंक अकाउंट भी दे दूंगा, अगर वो मुझे फ़ोन कर लें 6477191112 या
चाहे तो ईमेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या चाहे तो वो मैं अभी रेडियो पर ही अनाउंस कर देता हूँ, बैंक का नाम है CIBC, अकाउंट का नाम है सुन्नी इस्लामिक मिशन, और आप ट्रांजिट नंबर है 06122, अकाउंट नंबर है 4603311। बगैर किसी नाम के नेकी के अगर सिलसिले में अगर आप उसमें पैसे डालकर रेडियो हिदायत के सिलसिले में मदद कर दें तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे चलाने में और उसको बेहतर आवर्स में लेने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी ब्रेक से पहले मैं ऐलान कर रहा था, मौत जो है हर एक जी रूह को उसका मज़ा चखना है, बगैर उसके कि उसकी उम्र क्या है, कौन पहले जाएगा, किसी को नहीं पता। कभी कभी तो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, और कभी कभी 100-150 साल तक आदमी ज़िंदा रहता है। कभी कभी 11-12 साल के बच्चे अचानक बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और नौजवान भी इसी तरह चले जाते हैं। मौत एक दिन मरना है सबको, और इस दुनिया में अगर रहना है तो हमें अपनी आदत को, अपने अतवार को संभालना होगा, संवारना होगा, अपने अकीदे को संवारना होगा। दज्जाल से बचने के लिए, क्योंकि फितने दज्जाल से बचने के लिए ज़रूरी है अपने आप को बचाना, अपनी जनरेशन आने वाली नस्ल को बचाना। उसके लिए हदीस मुबारक है कि जिसने सूरह काफ की पहली या आखिरी 10 आयतें याद कर ली वो दज्जाल के फितने से हमेशा महफूज रहेगा। और इसी तरह जुमे के दिन सूरह काफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है, उसको पढ़ना चाहिए जुमे के दिन स्पेशली तौर पर सूरह काफ और सूरह दुखान। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन सूरह को विर्द करने, उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं, ताकि हम अपनी और अपनी औलादों को आने वाले फितनों से बचा सकें, कोई भी फितना हो इसमें, चाहे दज्जाल ही का फितना क्यों ना हो। और इसी तरह सूरह काफ पढ़ने की कई और फजीलतें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इससे भी हम बयान करते चलेंगे। अभी इस वक्त का मौजू जो है वो मौत के बारे में था, और मौत के सिलसिले में मुश्ताक कादरी की एक बहुत अच्छी मंकबत उन्होंने पढ़ी है, बड़ी ही अच्छी आवाज़ में, आइए मिलकर सुनते हैं।